कोफैक्टर्स। गाइज इसको याद करने की बहुत ही आसान ट्रिक है। प्रोस्थेटिक ग्रुप में ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड टाइटली बाउंड है, कोएंजाइम में ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड लूजली बाउंड है, मेटल आयंस में इनऑर्गेनिक कंपाउंड एंड लूजली बाउंड है। सो इसको याद करने की ट्रिक है PCM। पहले आप लोग ये ऑर्डर में अगर याद कर लेंगे तो ये दोनों याद हो जाएगा। सो PCM से आप लोग प्रोस्थेटिक ग्रुप, कोएंजाइम, मेटल आयंस याद कर लेंगे। पी हो जाएगा प्रोस्थेटिक ग्रुप के लिए, सी हो जाएगा कोएंजाइम के लिए, एम हो जाएगा मेटल आयंस के लिए। सो जब ये तीनों याद हो जाएगा ऑर्डर में, ऊपर के दो ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे, फिर नीचे का एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड, फिर ऊपर का एक टाइटली बाउंड होगा, नीचे का दो लूजली बाउंड। सो PCM पहले आप लोग ये याद कर लीजिए, फिर उससे ये दोनों आसानी से याद हो जाएगा। ऊपर का दो ऑर्गेनिक कंपाउंड, फिर नीचे इनऑर्गेनिक कंपाउंड। फिर जब दूसरी तरफ आ जाएंगे तो एक ही होगा टाइटली बाउंड एंड ये दोनों नीचे का दोनों लूजली बाउंड हो जाएगा। सो इससे आप लोग ये बहुत ही आसानी से याद कर लेंगे।